हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किशोर और किशोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई किए हैं और आईडी आपके पास आ गया है, लेकिन आप लोगों को ये मालूम नहीं कि पासवर्ड कहां से बनाएं, तो फ्रेंड्स आशा करता हूं इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीन के तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल या लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद टाइप करना है CSCID स्टेटस। फ्रेंड्स, मैंने पहले से टाइप करके रखा था, इसी वजह से शो कर रहा है, आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद पहले वाला जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर को टाइप करना है, उसके बाद कैप्चा कोड को भर देना है। मैंने भर लेता हूँ। भर देने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। फ्रेंड्स, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है और ये मेरा CSCID है। मैं CSCID को कॉपी कर लेता हूँ, आपको भी कॉपी कर लेना है। उसके बाद माय अकाउंट पर जाना है। उसके बाद CSCID को यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है। उसके बाद कैप्चा कोड को भर देना है। चलिए मैं कैप्चा कोड को भर देता हूँ। सॉरी, कैप्चा कोड को भर देने के बाद यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेना है। थोड़ा वेट करना है, इंटरफेस शो करेगा। आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिंगरप्रिंट को रहने देना है। फ्रेंड्स, आप अपना बायोमेट्रिक डिवाइस को अपने लैपटॉप पर कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट कर लेने के बाद अपनी फिंगर को बायोमेट्रिक डिवाइस पर रखना है और यहाँ कैप्चर करना है। मैंने कैप्चर कर लेता हूँ। मैंने कैप्चर कर दिया हूँ। ओके, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। आपको कनेक्ट पासवर्ड पर क्लिक करना है। फिर यहाँ लिखा है डू यू नो योर ओल्ड पासवर्ड। हमने पहले से कोई पासवर्ड नहीं, इसी वजह से हमको नो करना है। उसके बाद मोबाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करना है। जब भी आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ फिलअप कर देना है। मैंने OTP को एंटर कर देता हूँ। फिलअप कर देने के बाद वैलिडेट OTP पर क्लिक करना है। वैलिडेट OTP पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू पासवर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। मैं न्यू पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। वही पासवर्ड को आप दोबारा यहाँ भर देना है। अब अपडेट कनेक्ट पासवर्ड पर क्लिक करना है। जब आप अपडेट कनेक्ट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। फ्रेंड्स, आपका आईडी पासवर्ड जनरेट हो गया है। आपको यहाँ से बैक हो जाना है। उसके बाद फिर से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद टाइप करना है डिजिटल सेवा पोर्टल। डिजिटल सेवा पोर्टल पर
जब भी क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। आपको सिंपल जाना है लॉगिन। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। आपको यहाँ अपनी आईडी डाल देना है और यहाँ अपना पासवर्ड डाल देना है जो कि आप अभी अभी क्रिएट किए थे। उसके बाद कैप्चा कोड को भर देना है। मैं भर देता हूँ। कैप्चा कोड को भर देने के बाद रिमेम्बर मी पर क्लिक करना है। उसके बाद साइन इन पर क्लिक करना है। जब भी आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। ये मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ये मेरा रूरल एरिया है। सेलेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है और आपका सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने अपना सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद सिलेक्ट पंचायत को सिलेक्ट करना है। मैंने अपना पंचायत को सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद विलेज को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने अपना विलेज को सिलेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद पिन नंबर को टाइप कर लेना है। उसके बाद अपनी एड्रेस को टाइप कर लेना है। आप अपना एड्रेस टाइप कर देना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद सब यस यस कर देना है, इसको नो कर देना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। थोड़ा वेट कर लेना है। थोड़ा वेट करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। आप अभी यहाँ से अपने कस्टमर को कोई भी सेवा देकर अपने लाभ उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।